हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्य, आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको कमिटमेंट किए थे कि आने वाले समय में हम आपको दिखाएंगे मालिका में, उड़िया मालिका में जो लिखा गया है, जिसको हम कहते हैं भविष्य मालिका, भविष्य मालिका में जो लिखा गया है 256 भक्तों के बारे में। तो आज से 600 साल पहले महापुरुष श्री अच्युतानंद दास ने ये लिखे थे कि 256 भक्त जिनके पास मालिका के पवित्र ग्रंथ होंगे। तो आज आप देखिए, लाइव कैमरा में हमारे साथ जुड़े हैं मालिका के रिसर्चर और जगन्नाथ कथा संस्कृति के महान प्रचारक कान्हू बाबा। कान्हू बाबा आपके सन्मुख हैं। तो कान्हू बाबा के हाथ में आप देख रहे हैं वो 600 साल पुरानी ये ओरिजिनल पोथी है, और ये ओरिजिनल पोथी मिला है एक भक्त के पास, एक भक्त जो है जिनका नाम मालिका में है, और उनको काफ़ी रिक्वेस्ट किए हैं कि हमारे दर्शकों को वो पोथी दिखाइए। तो आज आप देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं कान्हू बाबा। बाबा जी, आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। जय जगन्नाथ जी। तो हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि ये जो 600 साल पुराने आपके साथ आपके पास ये पोथी है, इस पोथी के बारे में बताइए, और उन भक्तों के नाम भी आप बताइए जिनके पास पोथी मिला है। जय जगन्नाथ, जय जय पंचसखा। आज हमारा पास है सत्यभंज यूट्यूब चैनल, हम इसको भगवान का बारे में कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ जी। इसीलिए वो जो भंज चैनल है ना, वो सत्य का प्रतिष्ठा करने वाला है, वो सत्य का प्रतिष्ठित जो है वो सत्य का पुराने वाले पुराने में जो लिखा है सत्य धन युधिष्ठिर है, इसीलिए हमें वो बात नहीं करता हूँ। लेकिन ये जो नाम है सत्य, सत्य में बजयते, ये सत्य ग्रंथ में लिखा है। सत्य का बात कौन लिखा है? अच्युत, जसवंत, बलराम, जगन्नाथ, शिशुअनंत। वो जो पंचसखा है ना, वो भविष्य मालिका में 184,000 ग्रंथ लिखा है अच्युत महापुरुष। वो एक ग्रंथ है 600 साल का ग्रंथ, वो ग्रंथ का नाम है ब्रह्मांड भूगल। ब्रह्मांड भूगल, वो ब्रह्मांड का स्थान, पीठ, कालिमा, युग प्रलय, संधिस्तु, महामाया, चक्र, शक्ति और क्षेत्र, ये सब के बारे में लिखा गया है। ज्योतिष शास्त्र, मेडिकल साइंस, स्पिरिचुअल साइंस, सबके बारे में वो लिखा है। आप जो प्रश्न पूछेगा यहाँ पर, वो स्क्रिप्ट चला रोटरी चला लग जाएगा, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक चलेगा। मतलब ये शून्यपथी है? शून्यपथी है, मतलब आपके दिमाग में जो सवाल चल रहा है, या फिर पूछना पड़ेगा, वो रोटरिंग चलेगा, पूछना पड़ेगा। जो मतलब पूछने पर ये पोथी में जो है उसका आंसर, मतलब उसका उत्तर जो है वो ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा। वो साधक ही कहेगा, साधक। अच्छा, जिनके पास है जो साधना किए हैं वो साधक बोल पाएंगे, बाकी लोग नहीं बोल पाएंगे। अच्छा, तो आप ये देख रहे हैं कि 600 साल पुराने जो दिव्य पोथी, बिल्कुल आप कैमरा में, लाइव कैमरा के सम्मुख आप ये देख रहे हैं, जो कान्हू बाबा के हाथ में है। तो बाबा जी, मतलब ये भी लिखा गया है मालिका में, भविष्य मालिका में लिखा गया है कि संत अच्युतानंद दास ने लिखे हैं कि ये जो पवित्र पोथी हैं वो मालिका के 256 भक्तों को प्राप्त होगा जी। इसके बारे में क्या होगा आपका 256 का बारे में? ओडिशा का 256 ओडिया में क्या लिखा है एक बार आप बोल दीजिए, उसका मैं हिंदी ट्रांसलेशन में बता दूंगा हमारे दर्शक के सम्मुख। 256 भक्तों को मोहर ग्रंथ प्राप्त हो जानी बुरा मोरे यही सिद्ध संत नाम प्रकाश करिब। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। महापुरुष अच्युतानंद जी जो ग्रंथ लिखा है ब्रह्मांड भूगल, ब्रह्म कल्प, ब्रह्म निषेध, ब्रह्म निरूपण, शब्द ब्रह्म, जूनोलाप, ये जितना ग्रंथ लिखा है वो ग्रंथ का नाम है ब्रह्मांड भूगल। ये ग्रंथ में महामाया का, युग प्रलय का, युग कर्म में क्या क्या होगा वो बारे में ये ग्रंथ में लिखा है। हमारा पास खड़े हैं हमारा पूज्य नमस्य बाबुली बाबा। तो बिल्कुल लाइव कैमरा में देखिए, मालिका मेंबर ने जो 256 भक्त हैं, उन्हीं 256 भक्तों में से एक हमारे आज साथ जुड़े हैं बाबुली बाबा। बाबुली बाबा जी को ये जो पोथी है, ये जो प्राप्त हुई है, आइए सीधा मैं कैमरा पर्सन को बोलता हूँ, दिखाइए बाबुली बाबा जी को। बाबुली बाबा जी हमारे साथ हैं, उनको मिला है ये पोथी। बाबा जी, आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। पहले तो ये पोथी जरा हाथ में आप लीजिए, और आप ये जरा बताने की कष्ट करेंगे कि ये पोथी आपको कहाँ से मिला, कब मिला, और किसके निर्देश के अनुसार मिला? ये जो पोथी है वो मिलने से 5 साल पहले
मेरे सिद्ध गुरुदेव ने अवधूत शिवराम रामचंद्र दास ने मेरे को बोला था, बच्चा तुमको एक पोथी प्राप्त होगा। गुरुजी ने जी, मैं बोला कि पोथी क्या करेंगे हम ना, वो बहुत काम में आएगा, तुम देखोगे। साधु संत तो बहुत कुछ पहुंचेंगे, कुछ देवी का युग कर्म होगा, ये सब कुछ उसमें है। मैं क्या गुरुजी उसको कैसे कैसे हैंडल करना पड़ेगा ना, तुम सब कुछ आप जान जाएगा, जोग माया का कृपा कृपा हो जाएगा, तुम जान जाएगा, इसमें कोई तुम्हारा तकलीफ नहीं। उसी बात को आधार करके हम था। एक बार मेरे को स्वप्न में भगवान भगवती दोनों आके ब्राह्मण रूप ब्राह्मणी रूप में मेरे को बोला कि बच्चा तुम जाओ इस जगह पे, एक चीज़ है तुम उसको ले आओ। मैं बोला कि क्या चीज़ है, तुम तो हमारा गांव की ब्राह्मण का बीबी जैसे नानी लगता है, क्या बोलो ना नानी उधर क्या है ना, एक चीज़ है तुम जाओ ना। मैं गया नहीं, फिर कुछ दिन भी चला गया, फिर भी दूसरा रूप में वो आया। जैसे आप देखते हैं कि जैसे नाटक होता है, स्टेज होता है, लक्ष्मी का रूप बना दिया जाता है, सरस्वती का रूप बना दिया जाता है, छोटा छोटा मुकुट लगा दिया जाता है, फिल्म में आता है, टीवी सीरियल में आता है, ऐसे रूप में वो आया है। आके मेरे को बोला कि बच्चा तुम गया नहीं, टाइम तो हो गया ना। मैं जब प्रतिष्ठा हो गया प्रची धाम में तो अनंत युग आरंभ हो गया ना, तुम क्यों लेट कर रहे हो, मेरे आदेश तेरे गुरु के आदेश, तुम जाओ उस स्थान में जा है ले आओ। कौन सा स्थान? स्थान तो एक्सपेंशन है, कहाँ पे? बट वृक्ष है, एक बट वृक्ष है, एक्सपेंशन है, स्मशान है। मैं बोला कि माता जी अब जब मैं जाऊँगा तो मेरे को डर लगेगा ना, तुम जाओ ब्रह्म मुहूर्त में जाओ, नहीं तो सूर्य अस्त का बाद जाओ। अच्छा, अच्छा। मैं सोच लिया कि सूर्य अस्त में काल रात्रि आता है, इसलिए हम गया नहीं, इसे ब्रह्म मुहूर्त में हम गया। मुहूर्त में चार बार जो जाग्य स्नान करके हैं, स्नान करके तो फिर हमें। अच्छा, आप मतलब ब्रह्म मुहूर्त से ठीक पहले आपने स्नान किए? स्नान किए, स्नान करने के बाद आप फिर वहाँ पे पहुँच गए? गया, हमारा जो मंदिर है शिव जी का मंदिर में प्रणाम लगाया, उनका एक बेल बेलपत्ता का पादुक हमने पकड़ में रखा, बेल्ट्री का पत्र तो रख के गया। जाके वो श्मशान में देखा तो फिर हम चारों तरफ ढूंढा कहाँ रास्ता है, कहाँ से जाएगा, वो तो सब कुछ। आपको आपको उस स्थान के बारे में पता था? नहीं पता था हम उस स्थान, इससे फिर आप कैसे गए मतलब वहाँ पे? वो दिखाई दिया ना, वही स्थान पे जाओ। अच्छा, उन्होंने दिखाई दिया जो रास्ता में मैं जाऊँगा तो मतलब वही रास्ता से उन्होंने दिखा दिया। अच्छा, तो मतलब आप किसको फॉलो कर रहे थे? मैं रास्ता को एक दिन लग गया कि दो दिन लग गया मेरे को, कौन कौन रास्ता है, कौन सा रास्ता में जाएगा, इस रास्ता पे जाएगा। फिर एक दिन गया मैं साइकिल में, मेरा तो साधना में बहुत अवस्था बुरा था। ये कब की बात है? वो तो हो गया तो 1900 लगभग आज से कितने साल पुराने? 95 तो फिर हम रास्ता में गया, वही रास्ता देखा था, फिर आया, फिर गया, दो बार हमने गया जाके स्थान निरूपण किया। उस हम आदमी को पूछा इधर के श्मशान है क्या ना, वही है। फिर हम देखा उसमें एक बट वृक्ष है, बहुत पुराना है, इतना भी डाल वृक्ष नहीं है, झटमाड़ है, बूढ़ा हो गया। तो फिर हम गया तो फिर लौट आया, फिर दूसरा दिन हम ब्रह्म मुहूर्त में गया। अच्छा, आपको पता चल गया था कि ये वही पेड़ है? वही पेड़ है, नहीं तो हम जाएंगे कैसे? उसको अनुमान कर करके गया ना, फिर उसकी सटीक लाइन में लेना पड़ेगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जाके सब ठीक ठाक करके आया तो फिर सोचा कि रात को नहीं जाएगा तो सुबह जाएगा। सुबह आने से कोई तू मुसीबत आ जाए, कोई भी आदमी को हम कोई चित्कार करेगा तो कोई प्रॉब्लम आए तो कोई आदमी आ जाएगा ना, रात को कौन आएगा? रात को कोई नहीं आएगा। मेरा मन में भय था ना, मैं तो इसका बारे में कुछ जानता नहीं, वो क्या चीज़ है हमको मालूम नहीं था। तो हम जब गया तो जाके देखा है कि वो एक छोटा सा रास्ता है, वो जो किया की पेड़ है
केतकी का जो साइज पेड़ उसका जो चेयर कंटेदार में वो उसका चेयर का एक रास्ता है जहाँ पर एक आदमी जा सकेगा। अच्छा, वही रास्ता में हम गिरकी पूरा नौ नंकी गिरकी गया जाके वृक्ष का पास पहुँचा। अच्छा, पहुँचने से उनका जो ओहड़ होता है बट वृक्ष का उसको पकड़ा, पेंट शर्ट हम पहना था, फिर उधर धीरे धीरे चढ़ा। जब हम चढ़ा हमको मालूम हुआ कि कोई हमको चढ़ा देता है। अच्छा, मतलब सामान कोई टेक देता है क्या, मतलब कोई आपका हेल्प कर रहा है, फिर हेल्प कर रहा है। तो फिर पीछे में हम देखा कोई नहीं है, तो फिर हम चढ़ गया, चढ़ के जाके देखा वो जो ब्रह्मांड बोल हमको दर्शन नहीं होता, मगर अच्छा, जो मतलब दिखा नहीं ना कुछ नहीं दिखाई नहीं देता। वो कोटर है, कोटर में वो था, हमको वो बोला था ना तुम हाथ भर देगा जो मिलेगा ले आएगा, माता जी ने बोला अंदर हाथ डालना है, हाथ डालना है। मैं बोला कि दिखाई नहीं दे रहा है वहाँ पे क्या है, क्या है, लेकिन एक वहाँ पे एक होल है। हाँ, वो दिखाई दे रहा है। हाँ, आपको मतलब दिखाई नहीं दे रहा है फिर भी आपका हाथ डालना है, डालना है। डर लगा आपको? डर तो जानने से पहले हमको डर लगता है। अरे बाप रे, कैसे हम जाऊंगा, कैसे क्या चीज मिलेगा। हाँ, अरे कोई सर्प फर्प तो होगा ना। हाँ, हो ठीक है, जो भी हो जाए जान चला जाए। तो ऐसा बहुत तकलीफ में हूँ साधना से में। फिर भी आप ये माने थे मेरे पास माता जी के आशीर्वाद है। मैंने तो बोला ना कुछ नहीं होगा। अच्छा, पिताजी गुरु ने बोला ना कुछ नहीं होगा। फिर आप हिम्मत करके हाथ डाला, जब हाथ डाला मेरे यहाँ तक गिर गया। अरे बाप रे, इतना बड़ा था? मैं ऐसा डाल गया पूरा, मतलब लगभग दो फीट से ज्यादा। हाँ, साढ़े आढ़े फीट में गया। जाने से पहले वो हमारा हाथ में लगा। अच्छा, जब वो हाथ में लगा वो ऐसे चीज को हम पकड़ा। अच्छा, इस तरह। मतलब ये मैं पकड़ सकता हूँ? मैं नहीं पकड़ सकता। हाँ, तो ये आप देखिए, ये जो दिव्य पोथी हैं ये बिल्कुल कैमरे के सन्मुख बाबा जी आपको दिखा रहे हैं। तो बाबा जी जब उसमें हाथ डाले उस होल के अंदर, तो उनको ऐसा कुछ लगा, फिर ऐसा कुछ लगा तो बाबा जी ने फिर इसको उठा के लेके उठा के लाया। जब मैं उठा के लाया बेटा, मेरे को मालूम होगा कि हम 20 किलो एक चीज लाया क्या, 20 किलो मेरे को जो मालूम होता है इतना वेट था। तो फिर मैं जब उसको पकड़ा तो मैं शरीर में पीड़ा बहुत कुछ करंट आया, उसको हम संभाल नहीं पाया, करंट लगा। फिर वो पीड़ी के नीचे में उतर के बैठ गया, पेड़ के नीचे बैठ गया। तो फिर उन्हें बोला, माता जी ने बुंदा मेरे को कान में, जैसे मेरे को स्मरण आया जो महादेव शंकर का तुम एक मंत्र जप करो, वो महादेव का ब्रह्मांड भूगोल है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो महादेव जी का ब्रह्मांड भूगोल, ब्रह्मांड के बारे में इसके बारे में लिखा गया है। तो पहली बार हम ये दिखा रहे हैं कि इसका नाम है ब्रह्मांड भूगोल पोथी। पूरे ब्रह्मांड के भविष्य के बारे में इस पोथी में लिखा गया है। बड़ी अद्भुत पोथी है। बाबा जी से मतलब कैमरा स्टार्ट करने से पहले मैं जब इसके बारे में चर्चा किया, मुझे भी सुन के पूरा रोंगटे खड़े हो गए। तो फिर कान्हू बाबा ने बोला था जो अच्युत महापुरुष ने लिखा नहीं, ब्रह्मांड भूगोल भी मिलेगा। अच्छा अच्छा, लिखा है तो वही हमको प्राप्त हुआ। तो आपने कुछ मंत्र जप किए? वो उस टाइम में हम शंकर का मंत्र तो बहुत जाना है। क्या मंत्र था? क्या गुरु का? हम बोला कि माता जी, क्या हमने गुरुजी, माता जी तो नहीं, गुरुजी, गुरुदेव, हम क्या मंत्र बोलेंगे ना, तुम बीज मंत्र लगाए के वो मंत्र को जप कर 7 बार। मैंने वो मंत्र जप किया, बीज मंत्र लगाए के, ओम ह्रौंग खौ 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 अघोरेभ्यंग थगोरेभ्यंग घोर घोर करेभ्यों नमस्तेस्तु रुद्र रूपेभ्यो महारुद्राय विद्महि तत्पुरुषम यदिमहि तन्न रुद्र प्रत्युदयत नमः। यही मंत्र 7 बार बोलने से मेरा शरीर हल्का हो गया, मेरा करंट बंद हो गया। तो फिर उसको लेके आया, तो उसी दिन ये आपको 7 बार जप करना पड़ा। अच्छा, उसके बाद आपका शरीर थोड़ा हल्का हुआ कि जो करंट जैसे आपको लगा, झटका लगा, जैसे भय लगता था वो कहाँ चला गया। अच्छा, मेरे नया उद्दीपना सृष्टि होगा मेरे शरीर में। अच्छा, मैं लेके जाऊंगा, एक एनर्जी आपको मिला। तो फिर वो लेके आया, फिर वापस भी आए। आए तो वापस आने में कोई दिक्कत नहीं हुआ? दिक्कत कुछ नहीं, कुछ नहीं रास्ता में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत वही बट वृक्ष का पक्ष हुआ। किसको बताया आपने? कुछ नहीं बताया इसके बारे में, किसी को नहीं बताया, गुरुदेव को नहीं बताया। गुरुजी को हमको बताया, गुरुजी ने बताया, गुरु को बताया, गुरुजी आपको पता था, आप घर को बोला था कि सब पोथी प्राप्ति हुआ है। अच्छा, पोथी मिला है हमें, बच्चा लोग को, मेरे वाइफ को, मेरे पिताजी को, मेरे माताजी को, मेरे भाई को, और जो अड़ोसी पड़ोसी को मालूम हुआ कि एक पोथी पाया है, पोथी मिला है, पोथी मिला है। क्या मिला है, कैसे मिला है, इसको कुछ हमने बताया। आज हम खुलासा किया, जब युग आ गया, अनंत युग में आ गया, तभी जब प्रभु आज तक भी सत्यवंज बाबू, मैं बोला था 11 महादेव का पास, आपने, आप एक साधारण व्यक्ति नहीं है, आप ऐसा आत्मा है,
आपके बारे में वो ब्रह्मांड गूगल भी निश्चित करेगा आप कौन है। वही बोलता हूँ, साधारण आदमी हूँ मैं। नहीं नहीं, आप साधारण आदमी नहीं है, आपको इस प्रभु की कृपा से, माँ कनक दुर्गा का कृपा से आपको भी आपका आत्मा का परिचय मिलेगा, तभी आप जानेंगे इसमें निकलेगा। क्या बात है, अरे आप एक दिन आइए, मैं माता जी को प्रेयर करेगा तो आप खुलेगा, तभी जो वाक्य आएगा आप रिकॉर्ड कर लेंगे। मतलब खाली मैं आ सकता हूँ या फिर कोई भी आ सकता है? कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता, कोई भी आ सकता है, इसमें क्या है? वो पूछ सकता है कोई, और उनको उनका प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा जब उसका किस्मत में है वो मिलेगा, हम तो गारंटी नहीं दे सकता। अच्छा अच्छा, क्या इसी के मैं तो गारंटी नहीं दे सकता ना, वो तो मैं नहीं लिखा नहीं। मतलब जो भी अपने समस्या लेके यहाँ पे आएंगे उनका भी कुछ मतलब कुछ रूल रेगुलेशन ऐसा कुछ उनको फॉलो करना होगा, नीति नियम ऐसा? क्या मतलब नहा धो के कपड़े पहने? वो तो सुचमन तो ही कहेगा, मगर नीचे बैठेगा, कोई आसन नहीं मिलेगा। आसन नहीं मिलेगा जब प्रभु चलेगा, किसी को आसन अभी तक नहीं, 25 साल हो गया, किसी को 23 साल हो गया, किसी को भी अभी तक माता जी ने आसन नहीं दिया। वो बहुत साधु संत भी आया, उन वो भी परीक्षा दिया इधर, वो हर की गया। एक साधु ने बोला मैं अनाकार मंत्र जानता हूँ, एक बार खोलेंगे इसको? हाँ, खोल देंगे, कोई बात नहीं, बस खोल दीजिए थोड़ा सा। देखिए बाबा जी ने, जैसे कि कान्हू बाबा ने पहले भी से आपको बता दिया है, ओडिया मालिका में यानी भविष्य मालिका में लिखा गया है 256 के बारे में, यानी 256 भक्त जिनको ओरिजिनल पोथी प्राप्त होगा। तो उन्हीं में से बाबा जी हमारे साथ हैं, जिनका नाम है बाबुली बाबा।